बात करते गुजरात की, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया इन दिनों गुजरात दौरे पर है। अपने राज्य के दौरे पर सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति को लेकर सीधे गुजरात सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के निर्वाचन क्षेत्र के दो सरकारी स्कूलों का दौरा किया, तो वहीं अहमदाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुद शिक्षा मंत्री के इलाके के स्कूल ही खराब है। स्कूल में सफाई व्यवस्था नहीं, शौचालय समुचित नहीं और सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार बताया। वहीं उन्होंने कहा कि आज मैं गुजरात के सरकारी स्कूल को देखने आया हूं, लेकिन यहां के स्कूलों को देखकर मुझे लगा कि बीजेपी ने सरकारी स्कूलों पर 27 साल बर्बाद किए हैं। पत्रकारों ने जब इस बारे में गुजरात के शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने अहंकार से कहा कि जिन्हें गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पसंद नहीं, उन्हें गुजरात छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। जब शिक्षा राज्य मंत्री इतने अहंकार से बोल रहे हो तो मुझे लगा है कि उन्हें कुछ तो किया ही होगा, इसलिए मैं यहां गुजरात के सरकारी स्कूलों को देखने आया। सिसोदिया ने कहा कि आज वे खुद शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के एक निर्वाचन क्षेत्र के दो स्कूल गए। इन स्कूलों की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल बदहाली की स्थिति में है, हर कमरे और गैलरी में मकड़ी के जाले हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे और अगर है तो उन्हें ठेके पर रखा जाता था। ऐसे शिक्षकों को भी नहीं पता कि उन्हें अगले महीने नौकरी मिलेगी या नहीं। स्कूल के शौचालयों की स्थिति बदहाल है और इतनी बदबू है कि कोई एक मिनट भी खड़ा नहीं हो रह सकता। ऐसे स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों से 7 घंटे बिताने की उम्मीद करना व्यर्थ है। हमने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि या तो यहाँ पढ़ लो और जिसको गुजरात रखो, मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़ के दिल्ली चले जाओ। तो ये बड़ा एरोगेंट बयान लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि फिर हम भी देख लेते हैं कि गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने क्या किया है। तो मैं इधर आया हूँ आज शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में। मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़े वर्ल्ड क्लास कर दिए होंगे जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ मैं आया और देखा कि शिक्षा मंत्री जी की अपनी विधानसभा में स्कूल ऐसे हैं, ये छोटे स्कूल में ऊपर तक। अब आप देखो यहाँ चारों तरफ, अगर आप यहाँ से दिखाओगे मेरे, उसके बाद में सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। अब उनको पता था मैं आ जा रहा हूँ तो जाले के बेचारों ने साफ़ सफाई तो करने की कोशिश की, लेकिन सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं। मकड़ी के जालों के बीच, टूटी फूटी दीवारों वाले के बीच आप देखो ना, बोर्ड भी लगा हुआ है, क्लास भी चलती है, क्लासेस चल रही हैं, अंदर भी क्लासेस हैं। अब खाली एक स्मार्ट बोर्ड टांग दो तो भी स्कूल अच्छा हो गया। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले, नीचे क्लासरूम में गया वहाँ पर पता चला बच्चों के पास कोई फर्श भी नहीं है बैठने को, मतलब फर्श तक नहीं। अगर शिक्षा मंत्री अपने स्कूल में दे पाए हैं अपनी विधानसभा में,